हेलो एवरीवन, केस स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है सीबीएसई एग्जाम के लिए। ये यहाँ पे आप रीडिंग कर सकते हैं, ये जनरल बात है इसलिए मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ, आपको खुद पढ़ना है। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा पढ़ना। स्क्वायर एरिया इन द लोकल पार्क, लोकल अथॉरिटी चार्ज अमाउंट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर फॉर स्पेस। ये जो हमें यहाँ पे पिट बनाना है, इसके लिए स्क्वायर एरिया चाहिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, जिसमें ₹50 पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट लगेगी लैंड की, ठीक है, और नो मिस यूज ऑफ स्पेस की वजह से। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन टेक्स इट सीरियसली। एसोसिएशन हायर्ड ए लेबर ऑफ डिगिंग आउट 250 मीटर क्यूब। इसके लिए 250 मीटर क्यूब हमें डिग करना होगा, और जिसके चार्ज लगेंगे ₹400 पर डेप्थ स्क्वायर। अगर डेप्थ एच है तो ₹400 एच स्क्वायर कॉस्ट लगेगी डिग करने की, और लैंड की कॉस्ट कितनी है ₹250 पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, जो ये लैंड की कॉस्ट है और ये डिगिंग की कॉस्ट है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है साइड ऑफ स्क्वायर एक्स, वो हमने पहले लेट कर लिया था, और हाइट है एच, तो बताना है कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेता हूँ जिससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो वॉल्यूम कितना गिवन है, 250 ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो ये एरिया ऑफ लैंड आ गया। एरिया ऑफ लैंड कितना है, इतना, और हमें कितना डिग करना है, एच हाइट है। तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन हमारा ये होगा। कॉस्ट कितनी होगी, ₹50 लगेंगे पर मीटर स्क्वायर प्लस ₹400 लगेंगे डेप्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन में आप देख सकते हो एक्स की टर्म है सब, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ, जो कि सारा ऑप्शन फिर एक्स की टर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा है। 1500 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा हो गया बी। तो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन बी हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच डी सी अपॉन डी एच इक्वल टू 0। बस ये तो आसानी है, यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव करना है। डी सी अपॉन डी एच मतलब 1250 अपॉन एच स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस 800 एच। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे -1250 अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू -800 एच। तो 2 जीरो से काट देते हैं, तो एच क्यूब इक्वल टू 125/8। तो एच कितना हो गया, 5/2, यानी 2.5 मीटर एच की हाइट हो, एच होगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो गया सेकंड पार्ट के लिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। डी स्क्वायर सी अपॉन डी एच स्क्वायर, यानी हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एच स्क्वायर कितना हो गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 इतने एक्स क्यूब प्लस 800, ये इसका हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। पॉजिटिव होगा क्योंकि नेगेटिव पहले सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सही हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मिनिमम कॉस्ट, एक्स की वैल्यू बतानी है जिससे कॉस्ट हमारी मिनिमम होगी। कॉस्ट कितनी है हमारी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कॉस्ट मिनिमम के लिए यहाँ पे एक्स हमारा कितना आ गया, 2.5, और
आप देख सकते हो कि जो सेकंड डेरिवेटिव है ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब मिनिमा हो गया। तो जो एक्स की वैल्यू है ये हम उठा के फर्स्ट पार्ट में डाल देते हैं, क्योंकि हमें एक्स निकालना है मिनिमम कॉस्ट के लिए। तो पुट एच इन वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 250 अपॉन एच, 250 अपॉन 2.5। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल हटाने के लिए, और ये हमारा 100 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी, टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, मिनिमम कॉस्ट बतानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर इस वाले में एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स और एच की। तो ऊपर वाले में कर देता हूँ, तो मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी वो आप खुद भी निकाल सकते हैं। वैसे कितना था, 125,000 अपॉन एच, एच कितना है 2.5 प्लस 400 एच स्क्वायर, 2.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 7500, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी, उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।